हेलो टेंथ क्लास, ये एक्सरसाइज 3.4 और क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है बच्चों। अब तक हमने इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट्स किए थे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को वो समझ में आए होंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, इफ़ वी ऐड वन टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन, ठीक है। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। देखिए, कोई भी फ्रैक्शन होती है, ये मैंने आपसे अपने स्टार्टिंग में बोला था कि फ्रैक्शन जिसको हिंदी में भिन्न बोलते हैं वो क्या होती है, न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। ये आपका न्यूमिनेटर होता है और नीचे वाला क्या होता है, आपका डिनोमिनेटर होता है। जरूरी नहीं कि आप एक्स अपॉन वाई ले, आप ई अपॉन क्या भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो कहता है कि अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझिए, यदि इसके न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर दिया जाए एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में से घटा दिया जाए, तो ये जो फ्रैक्शन है ना, ये कितनी हो जाती है, ये 1 हो जाती है, ठीक है ना। और दूसरे में क्या कहता है कि यदि केवल हम डिनोमिनेटर में ऐड 1 कर दें, इफ यू ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, तो ये फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है। तो शायद अब आप समझ गए हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे लेट द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर एंड फ्रैक्शन। तो क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द न्यूमिनेटर, आप पूरा लिखेंगे x, और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर मान लेते हैं y, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो आप सभी जानते हैं फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y। ये तो आप कर लेंगे आराम से, है ना। चलिए, अब क्या कहता है कि कंडीशन फर्स्ट, आप कंडीशन फर्स्ट लिख लीजिए। कंडीशन फर्स्ट है कि आप देखिए मैथ में, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर दिया x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दिया, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, तो फ्रैक्शन हो जाती है 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये किसके इक्वल आ जाता है, 1 के। कंडीशन सेकंड क्या है, कंडीशन सेकंड पढ़िए, कंडीशन सेकंड है, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमिनेटर में कुछ नहीं करना, तो न्यूमिनेटर तो एज इट इज, और डिनोमिनेटर में कितना ऐड करवा रहा है अपने को, ऐड करवा रहा है ये अपने को 1, तो ये फ्रैक्शन अब किसके इक्वल हो जाती है, तो ये फ्रैक्शन 1/2 के इक्वल हो जाती है। तो बच्चों ये क्वेश्चन था। अब देखो, इस पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से इक्वेशन बनेगी और एक यहाँ से। तो देखो, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ इधर ही, ठीक है ना। तो देखिए, इसको मैं अब इसको देखिए, इसके अपॉन में 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे क्रॉस सबास मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, x प्लस 1 एज इट इज आएगा, क्योंकि 1 के साथ तो वही आएगा, और यहाँ पे इज इक्वल टू वाई 1-1 की 1 के साथ करेंगे तो y माइनस 1 आ जाएगा। एक काम कीजिए, y को इधर ले जाइए, है ना, तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, उधर क्या बच गया, माइनस 1, और ये 1 उधर और जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस 1 का। तो इट मीन्स क्या आया, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 2, और ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना आप कर लोगे। सिमिलरली यहाँ आ जाओ भाई, अब यहाँ पे फिर से क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, तो बच्चों y को दे लीजिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों मैं तुमसे करवा रहा हूँ कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, x या फिर y के कोफिशियंट को एक जैसा बनाया जाता है। तो देखो, यहाँ x के पास 2 है, यहाँ x के पास 1 है, तो एक तो ये कर सकते हो कि x को सेम बना दो, या फिर y को देख लो, y बढ़िया है, देखो y पहले से ही सेम बने हुए हैं, यहाँ y के आगे 1 है, जहाँ नहीं होता वहाँ 1 होता है, और यहाँ पे y के आगे क्या है, 1 है, तो बस अपना काम बना बनाया है, आप कुछ मत मल्टीप्लाई कीजिए, सेम हो गया ना। तो आप एक काम कीजिए, आप इसको इसमें से माइनस कर, तो हम लिख देंगे सब्ट्रैक्ट, है ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाने पर। तो एक क्या है, पहले तो लिख लीजिए x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है ना, ऐसा लिख लोगे ना, x माइनस, अच्छा फिर उसके बाद क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू
वन, और यहाँ पे फिर हम एक लाइन डाल देते हैं। अब क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो माइनस, जहाँ प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस, और ये प्लस है तो क्या माइनस। देखो बच्चों, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाते हैं। अब तुम बताओ प्लस का एक्स और माइनस का टू एक्स, तो क्या आएगा, माइनस का एक्स आएगा, माइनस का टू, माइनस का वन, माइनस का थ्री आएगा, कट जाएगा एक्स, माइनस से माइनस, तो एक्स किसके इक्वल आ गया, तो आप बोलोगे सर एक्स तो थ्री के इक्वल आ गया। तो बच्चों एक्स इक्वल टू थ्री, अब इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो क्योंकि ये छोटी पड़ रही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कर रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो इसको आप इसी मेथड से करेंगे क्योंकि उसने पहले बोला वो एलिमिनेशन से करना है, जबकि मैंने देखा है बोर्ड में अपने से ये नहीं पूछता कि इसी मेथड से करवाओ, वो कहता है किसी से भी करो, पर पहले तुम सीख लो फिर उसके बाद किसी से कर लेना, ठीक है ना। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इजिकल टू माइनस टू, एक्स की वैल्यू कितनी है थ्री, माइनस वाई इजिकल टू माइनस टू, ये माइनस वाई तो आप उधर ले जाओ और टू के इधर लेके आ जाओ, तो क्या आएगा, ये माइनस इधर ये आके प्लस का हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा, तो वाई कितना आ जाएगा बच्चों फाइव, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई फाइव, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थ्री, तो फ्रैक्शन बता दो जल्दी से क्या आएगी, तो फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई थी ना बच्चों, माननी थी ना शुरू में, देखिए ये रही फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई माननी थी, तो फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई माननी थी, तो एक्स की वैल्यू कितनी है थ्री, वाई की वैल्यू कितनी आएगी फाइव, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों थ्री बाई फाइव, ठीक है। यदि समझ में थोड़ा कम आया है तो आप इसको दोबारा से देख सकते हो।